अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मियां वॉक टीवी में खुशामदीद। आज मैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मबीन पहले वनडे मैच की नतज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मबीन तीन वनडे मैचेस की सीरीज का पहला वनडे मैच रावलपिंडी में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 4 जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से इनिंग का आगाज आबिद अली और इमामुल हक ने किया, तहम आबिद अली 21 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम भी इस मैच में खातिर वार का क्योंकि कमजोर न कर पाए और सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम के आउट होने के बाद हाफिज सोहेब ने इमामुल हक को ज्वाइन किया और दोनों ने मिलकर इनिंग को आगे बढ़ाया। तहम 119 रन के मजमू स्कोर पर इमामुल हक 58 रन बनाकर आउट हो गए। इमामुल हक के आउट होने के बाद पाकिस्तान के दिग्गज बैट्समैन जेके बाद दिग्गवे आउट होते हुए हाफिज सोहेब की 71 रन की शानदार इनिंग की बदौलत पाकिस्तान जिम्बाब्वे को अच्छा टारगेट देने में कामयाब रहा और यूँ पाकिस्तान ने 50 ओवर के अख्ताम पर 8 विकेटों के नुकसान पर 281 रन बनाए और यूँ जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 282 रन का हदफ दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने जब इनिंग का आगाज किया तो इनिंग के आगाज में ही इन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। शाहीन शाह अफरीदी ने यके बाद देखे हुए 2 खराबी आउट करके जिम्बाब्वे टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तहम देखे बाद में बैट्समैनों ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मजावा किया और पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। एक मौका पर यूँ लग रहा था कि जिम्बाब्वे बासानी पाकिस्तान को हराने में कामयाब हो जाएगा, तहम मैच के इस्तामी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी और वहाब रियाज की शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब रहा और यूँ पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 26 रन से शिकस्त दे दी। ब्रेंडन टेलर की 112 रन की इनिंग भी जिम्बाब्वे को मैच जितवाने में नाकाम रही। ताहम 112 रन की शानदार इनिंग की बदौलत ब्रेंडन टेलर को मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया और यूँ पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल हो गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मबेन सीरीज की लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते हुए मियां वॉक टीवी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। शुक्रिया।